उड़ीसा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने स्थानीय जयदेव भवन प्रदर्शनी हॉल में उड़ीसा दिवस उत्कल दिवस में संबंधित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव सुश्री अनुगर की मुख्य अतिथि के रूप में यानी उनकी अध्यक्षता में किया। इस प्रदर्शनी में उड़ीसा ने अतीत का दर्शन कराने का काम किया। मधुसूदन दास, उत्कलमणि गोपबंधु दास, कैप्टन फकीर मोहन से लेकर उत्कल भारती, कुंतला कुमारी सावंत, कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, पूर्व मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, उत्कल सम्मेलन से जुड़े ब्रज सुंदर दास और उड़ीसा के आदि नेता विचित्रानंद दास की तस्वीरें शामिल की गई। साथ ही 1936 और वर्तमान उड़ीसा की तस्वीर सहित नक्शे भी शामिल किए गए। इसके अलावा इसमें उत्तर प्रदेश सम्मेलन के विभिन्न सत्र और उनसे जुड़ी विभिन्न तस्वीरें भी शामिल की गई। आज की फोटो प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुख्य प्रशासनिक सचिव संजय कुमार सिंह, निदेशक सरोज कुमार सामंत, निदेशक सुरेंद्र कुमार परिता, अपर निदेशक सतीश कुमार दास, संयुक्त निदेशक सूर्य रंजन मोहंती, उप निदेशक सुश्री सुचेता प्रियधारिणी सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। यह फोटो प्रदर्शनी 2 दिनों तक खुली रहेगी। देखिए साथी योगेश कुमार बेहरा की पूरी रिपोर्ट। श्री माधव सचिव, रेमुना स्वाभिमान मंच का सभापति तथा रेमुना पालेश्वर शायर, आज जो ये जयदेव भवन उड़ीसा में जो आज उत्कल दिवस पालन हो रहा है, उसके लिए जो पटचित्र प्रदर्शनी हो रहा है, इसके लिए मैं उड़ीसा प्रदेश जो उड़ीसा सरकार को धन्यवाद देता हूँ। जो स्वतंत्र उड़ीसा प्रदेश गठन के लिए जिस सब महामनीषी माँ लोग आज के दिन उड़िया भाषा भित्तिक जो राज्य गठन होना चाहिए था वो उड़ीसा गठन हुआ था 1903 महीना अप्रैल 1 को ही हुआ था। जो सब महामनीषी सब थे जिस प्रदेश गठन के लिए जो अपने बलिदान दिए हैं, उनको हम लोग आज उड़ीसावासी की तरफ से प्रणिपात करते हैं, कटि नमन करते हैं। और जो ये सब भव्य आयोजन भी किया गया है, जो उत्तर पीढ़ी हमारा उड़ीसावासी हैं उनको सब सचेतन करने के लिए, जो देखते हैं कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना प्रयास के बाद हम लोग एक स्वतंत्र भाषा भी थे राज्य गठन किए हैं, जिस राज्य के लिए आप गर्वान्वित थे, हम लोग गर्वान्वित भी हैं। उसी राज्य गठन के लिए जो तपस्वी जन थे हमारे, उन सबको आज श्रद्धांजलि, उनको सबको आज नमन के लिए हम लोग आज याद कर रहे हैं।